जय हो द्वारकाधीश। इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। टैरो में से लेंगे 5 कार्ड्स और ओरेकल लेने वाले हैं हम 2, उसमें से भी लेने वाले हैं 5-5 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड्स को शफल करके। पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा समय को लेके ये सोच रहे हैं। जैसी अभी ये सुबह के वक्त का रीडिंग है, तो ऐसे ही दिन भर की कई सारी बातें हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। मे भी दोपहर को शायद कुछ इम्पॉर्टेंट काम है, या फिर रात को कुछ आपको मैसेज या कॉल करके शायद कुछ बातचीत करना चाहते। अगर कल रात को भी आपसे बातचीत नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून यही इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ सोच चल रही है समय से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन को लेके। क्योंकि जो यहाँ पे सर्कल है वही राउंड राउंड बातें उनके दिलो दिमाग में शायद सुबह सुबह कुछ चल रही है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ये पर्सन रोमांटिक एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे ये पर्सन हाथ में कप लेके थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है, वैसे ही शायद कुछ ख्यालों में खोए हुए हैं जिसकी वजह से इनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल है। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो रात को शायद इन्होंने कुछ विश मांगी है और मे बी वो विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ऐसा शायद इन्हें दिल से लग रहा है, या फिर ये आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने क्या मांगा है। फिर है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। फ्यूचर को लेके बहुत कुछ ये सोच नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सपने हैं जिनमें खोए हुए ज़रूर हैं। यहाँ पे जैसे इस पर्सन के इर्द गिर्द सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो ढेर सारी बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, वो शेयरिंग नहीं हो रहा, और शायद इसीलिए ये सोच रहे हैं कि शायद आपसे कुछ कम्युनिकेशन करने की इनकी चाहत है। फिर है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरिस लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना बेटर हाफ ज़रूर समझते हैं। किंग ऑफ कप आया है और उसके बिल्कुल अपोजिट आई है क्वीन ऑफ पैंट्स। तो आपका नेचर अलग है और इस पर्सन का नेचर बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी आप दोनों किस तरह से एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, इस तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में शायद कुछ चल रही है, और मे बी इसी वजह से कुछ रोमांटिक एनर्जी से कनेक्ट होके आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है कैन वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो थोड़ा सा फ्लर्टेशियस एनर्जी है और कहीं ना कहीं रोमांटिक थॉट्स में कुछ खोए हुए हैं। जब आप दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे तो किस तरह से बातों की शुरुआत होगी, इससे जुड़ी शायद कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर हैं आई एम सेंडिंग यू सॉन्ग्स, तो शायद कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स आपको सेंड करना चाहते हैं, या फिर जो बातें ये आपसे कह नहीं पाते वो बातें आप समझ जाएं, इसलिए कोई लिंक आपको सेंड करके ये बताना चाहते हैं कि आखिर वो आपको लेके क्या सोचते हैं या फिर उनके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है। फिर है नेक्स्ट है आई एम स्टॉलिंग, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा स्टकनेस फील हो रहा है, यानी कि जिस स्पीड से वो ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो स्पीड अभी तक इनको नहीं मिला है। जैसे पहला भी कार्ड हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का,
तो वहां पे भी समय को लेके काफी कुछ बातें ये शायद आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो रेत की घड़ी है वहां से बहुत स्लो स्पीड लेके ये रेत नीचे के इस घेरे में फिसलती रहती है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा वक्त लगता है। तो वैसे ही इस पर्सन को लग रहा है कि काफी ज्यादा वक्त बीतता चला जा रहा है आपके साथ, इन्हें उस रोमांटिक एनर्जी में जुड़ने के लिए जो स्पीड ये चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा, और शायद इसीलिए ये आपको बताना चाहते कि दिन ब दिन ये आपको लेके कितना ज़्यादा सोचते रहते हैं। फिर है लेट मी स्टार्ट ओवर विथ यू, तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक शुरुआत करनी है। यहाँ पे भी ये कपल वही इंडिकेट कर रहा है कि रोमांटिक एंगल से काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्ट होने की चाहत है इनके दिलो दिमाग में। और फाइनल कार्ड है आई मेड अ मिस्टेक, तो शायद इनको लग रहा है कि पहले ही इनको कुछ फैसला ले लेना चाहिए था, या फिर इतना रुकना नहीं चाहिए था, वक्त के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। मे बी कुछ लोग हो सकता है घर वालों के लिए रुके हुए हैं, कुछ लोगों के हो सकता है करियर्स के प्रॉब्लम चल रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने रिश्ते में थोड़ा सा वक्त लिया है और इस पर्सन को ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वक्त बीतता चला जा रहा है, जो सोच के ही इन्हें थोड़ा बुरा लग रहा है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। सरप्राइज, तो शायद आपके लिए इन्होंने कोई सरप्राइज प्लान किया है और वो सरप्राइज आपको देने के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है हॉबी, तो शायद आपकी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी इन्होंने कलेक्ट करके रखी है। मे बी इस पर्सन को थोड़ा सा फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, या फिर अपनी कोई हॉबी या इंटरेस्ट आपको रिवील करना चाहते हैं जो शायद आपको पता नहीं है। फिर है एक्सरसाइज, तो कहीं ना कहीं खुद को फिट एंड फाइन रखने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। अगर आपको पता है कि ये ऑलरेडी जिम कर रहे हैं तो और ज़्यादा आपके सामने ये हेल्दी दिखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी ऐसा कुछ करें तो मे भी आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह यानी कि उन्हीं के जिम में भी ज्वाइन होने के बारे में शायद कुछ कहने के बारे में शायद सोच रहे हैं। फिर है लाइफ फेज और राइड लाइक रोलर कोस्टर, तो जैसे रोलर कोस्टर की राइड होती है, अप्स एंड डाउन चलता रहता है, और यहाँ पे एक फेज ऐसा आता है कि जहाँ से ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, तो वैसे ही इनको लग रहा है कि ये राइड आप दोनों साथ मिलके एंजॉय कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे कोई रोलर कोस्टर है तो मे बी वहाँ पे आपसे मिलने के बारे में भी इनके दिलो दिमाग में शायद कुछ चल रहा है। और फाइनल कार्ड है होल्ड माई हैंड, तो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं और आपको यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये आपको ज़िंदगी में खोने नहीं देना चाहते, और आपका साथ इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे यहाँ पे भी पानी दिखाई दे रहा है, तो शायद किसी समंदर के किनारे आपसे मिलने की चाहत है इनको, या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं रोमांटिक एनर्जी में कि जहाँ सिर्फ आप दोनों हों और कोई नहीं हो। तो काफ़ी कुछ चल रहा है आज इनके दिल और दिमाग में। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।